हाय, आई एम रिया खन्ना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं कि एक परफेक्ट एसे लिखने के लिए बॉडी पैराग्राफ्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार अच्छी ग्रामर और अच्छी वोकैबुलरी के बावजूद भी राइटिंग्स में हमारी स्कोर्स कम क्यों रह जाती हैं? मेरी पिछली वीडियो में आपने पार्ट वन में ये सीखा कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाई जाती है, और ये है इस लेसन का पार्ट टू कि एक अच्छे एसे के लिए बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स को लिखते वक्त आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, बॉडी पैराग्राफ डजंट मीन लॉट ऑफ आइडियाज। कई स्टूडेंट्स एक आइडिया के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक पैराग्राफ में इतने ज्यादा आइडियाज डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बॉडी पैराग्राफ डज नॉट मीन लॉट ऑफ आइडियाज। सेकेंड पॉइंट, बॉडी पैराग्राफ डज नॉट मीन लॉट ऑफ कनेक्टर्स। ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर या जितने भी आपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखे हैं उसमें आप कनेक्टर्स की स्टफिंग करते जाएं, वो बहुत गलत है। आपको कनेक्टर्स का मतलब समझना पड़ेगा कि कनेक्टर्स की जरूरत कहाँ होती है। सिर्फ ये सोच के कि कनेक्टर्स देने से या कनेक्टर्स डालने से स्कोर आएगा, ये गलत है। तो बॉडी पैराग्राफ डज नॉट मीन लॉट ऑफ कनेक्टर्स। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप बॉडी पैराग्राफ लिखें, हमेशा हर बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एसे। ये एसे की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकता है। तो जिस तरह का एसे है उसका बॉडी पैराग्राफ भी वैसा होगा। फोर्थ पॉइंट है कि कई स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए बॉडी के अंदर, एसे की बॉडी के अंदर कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। वैसे ये डिपेंड करता है राइटर की चॉइस के ऊपर कि वो कितने पैराग्राफ बनाना चाहता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर 3 पैराग्राफ्स लिखने चाहिए। तो आपने सीखा हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, आपको ना बहुत ज्यादा आइडियाज जानने हैं, नॉट टू एड लॉट ऑफ आइडियाज, नॉट टू एड लॉट ऑफ कनेक्टर्स, और 3 पैराग्राफ्स में आप बॉडी पैराग्राफ्स एक एसे का बना सकते हैं। हाउ टू राइट के बाद हम सीखने जा रहे हैं व्हाट टू राइट, जो कि एक पैराग्राफ का, एक बॉडी पैराग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। व्हाट टू राइट, बॉडी पैराग्राफ में लिखना क्या है। इसके लिए मैंने एक सैंपल लिया है ओपिनियन एसे का कि एक ओपिनियन एसे के बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है। इसका एक गोल्डन ट्रिक ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, ईच पैराग्राफ मस्ट हैव आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड योर आइडिया। इसका मतलब यह है कि आपके आइडिया के पीछे, आपके ओपिनियन ऐसे में जो आपका आइडिया है, जो आपकी ओपिनियन है, इसके पीछे के आर्ग्यूमेंट जरूर होने चाहिए बॉडी पैराग्राफ में। जनरली स्टूडेंट्स आइडिया और आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता लगता है कि आइडिया क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो हम सीखेंगे स्ट्रक्चर व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक आइडिया के पीछे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर स्क्रीन के ऊपर देखिए। आर्ग्यूमेंट हो सकता है एक रीजन, अ रीजन, एक वजह। आपके आइडिया के पीछे की वजह क्या है, आपका जो विचार है उसके पीछे का रीजन क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन, आप उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं अपने आइडिया को, जो वजह बताते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, जो जस्टिफिकेशन देते हैं, वो भी एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है एविडेंस। एविडेंस यानी कि एक एग्जाम्पल या एक सर्वे या कोई प्रूफ जिससे आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि आपके आइडिया के पीछे की वजह क्या है। तो ये होता है स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स का। जब तक आपके एसे में सिर्फ आइडियाज लिखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए गए, वो एसे एक अच्छा एसे नहीं माना जाएगा। इसीलिए अक्सर बच्चों के स्कोर्स, आईएलटीएस की मैं अगर बात करूं तो अक्सर बच्चों के स्कोर 5 बैंड या 6 बैंड राइटिंग में आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 6.5 आते हैं। तो यही एक वजह है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली एक स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल देखने के लिए, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि आइडिया क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, और कौन सा अच्छा तरीका है पैराग्राफ लिखने का। तो पहला पॉइंट देखिए, पीपल शुड टेक एक्सरसाइज डेली, लोगों को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पीपल शुड टेक एक्सरसाइज डेली फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट की तरफ देखिए, पीपल शुड टेक एक्सरसाइज डेली बिकॉज
मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज मेड पीपल फिजिकली इनएक्टिव विच फर्दर लीड्स टू मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स. दिस इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द यंग पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स एट अ वेरी यंग एज. अब ये तीनों पॉइंट्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि आइडिया क्या है, तो बहुत क्लियर कट आपको तीनों पॉइंट्स में दिख रहा होगा कि आपका आइडिया है कि लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, पीपल शुड टेक एक्सरसाइज डेली, जो कि तीनों पॉइंट्स में क्लियर कट दिख रहा है. तो पैराग्राफ की स्टार्ट इस तरह से होती है, कोई भी बॉडी पैराग्राफ है, आपका स्टार्टिंग आपका आइडिया है. अब आइडिया के पीछे जैसे मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, और आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर बताया था कि उसमें रीजन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है या एविडेंस भी हो सकता है. तो आप देखिए कि तीनों पॉइंट्स में से बेस्ट पॉइंट जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो कौन सा है, नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री? यस, तो आपको लगता है नंबर थ्री पॉइंट बेस्ट पॉइंट है हमारे बॉडी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने का. अब इसमें ध्यान से देखिए, नंबर थ्री पॉइंट में पीपल शुड टेक फिजिकल एक्सरसाइज डेली, ये आइडिया था आपका. उसके बाद है बिकॉज, बिकॉज आपने रीजन बताया, विच फर्दर लीड्स टू, या आपने और एक्सप्लेन किया. एंड में आपने बताया दिस इज प्रूफ बाय द फैक्ट, जो कि एक एविडेंस थी, आपने एविडेंस दिया, एक सपोर्टिंग सेंटेंस दिया. तो इस तरह से बॉडी पैराग्राफ प्रेजेंट किए जाते हैं. तो ये एक बेस्ट तरीका है बॉडी पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करने का, लिखने का. आई एम 110% श्योर कि अगर आप इस तरह से राइटिंग करते हैं, बॉडी पैराग्राफ इस तरह से बनाते हैं, तो आपकी राइटिंग में हाई स्कोर लेने से कोई नहीं रोक सकता. नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट. असाइनमेंट ये है, स्टूडेंट शुड नॉट कैरी स्कूल बैग्स. ये है आपका क्वेश्चन और ये है एक ओपिनियन एसे, और इस एसे के ऊपर आपको बनाना है एक बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ जिस तरह से मैंने सिखाया है, स्टार्ट शुड बी विद एन आइडिया एंड देन बिहाइंड द आइडिया आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है. इस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजना है और मैं इवेल्युएट करूंगी आपके राइटिंग स्किल्स को. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई. मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में, जो है इस लेसन का हाउ टू राइट परफेक्ट एसे का पार्ट थ्री. ऐसे का पार्ट थ्री होगा कंक्लूजन के ऊपर. कोई भी ऐसे बिना कंक्लूजन के कंप्लीट नहीं होता. सो मेक श्योर यू डू वॉच दैट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर.